कोरोना के समय में एससीईआरटी पटना द्वारा एक साइंस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ और उसके कैटेगरी में एक डाल दिया गया था कि कोडिंग के द्वारा गेम बनाने का, और ये मेरे लिए फेवरेबल हो गया और कोरोना पे मेरे स्कूल की एक बच्ची ने गेम बना दिया। अब वो वहाँ पूरे स्टेट में फर्स्ट प्राइज मिला, नेशनल के लिए नॉमिनेट होने का चांस है वो, क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं वो नेशनल के लिए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी टेक्नोशाला में। आज इस कहानी में हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं मिस्टर सौरभ सुमन जी, जो बिहार से हैं, त्रिवेणीगंज, और डिस्ट्रिक्ट इनका है सुपौल। तो सौरभ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल टीचर की कहानी टेक्नोशाला में। तो आपके बारे में जब हम जान रहे थे तो हमें पता चला कि आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है। तो चलिए आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये मुमकिन हुआ और बच्चों ने कैसे इसकी मदद से प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। एक्चुअली 2017 में सितंबर में मेरे स्कूल ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज में, यहाँ का अनुमंडल में ये गर्ल्स स्कूल है, तो हमारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती पूनम यादव के प्रयास से हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब आया, जो एक इनोवेटिव लैब है और ये संस्थरी का एक पहला लैब था जो हम लोग के स्कूल में आया। तो इसमें जो भी सामान आया इनोवेशन करने के लिए वो 70% वैसे थे जो एक जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के जो प्रोग्रामिंग जानते हैं वो उसको बहुत अच्छे से रन कर सकते थे। वो मेरे लिए फेवरेबल हो गया और मैंने उस मेरे हमने अपने स्टडी में कभी IoT रोबोटिक्स पे काम नहीं किया था, हम लोग इस समय ऐसा सिलेबस भी नहीं था, तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग हो गया। बस YouTube पे पढ़ पढ़ के और वैसा मतलब काफ़ी काम शुरू किया, छोटे छोटे मॉडल्स बने, काफ़ी उसमें नेम फेम विद्यालय का हुआ, बहुत सारे प्राइज जीते हैं स्कूल, तो और उत्साह बढ़ता गया और हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बहुत सारे काम और प्रोजेक्ट्स बनाने लगे। जी, तो मतलब आपने पहले खुद YouTube पर सीखा, उसके बाद आपने बच्चों को सिखाया। जी मैम। और हमने आपके बारे में सर सुना है कि आप कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये आइडिया कहाँ से आया और ये नवाचार क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। एक्चुअली मेरे हर इनोवेशन में स्टार्ट मेरा स्कूल से ही होता है, क्योंकि गर्ल्स का रूरल एरिया का स्कूल है ये। तो एक बार की बात है कि हैदराबाद से एक दिन कोडिंग का एक क्लास ऑर्गेनाइज किया गया हमारे स्कूल के लिए, तो मैडम ने कहा कि आप उसको कंडक्ट कराइए। तो कोडिंग तो चूंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते आ रहे हैं, तो लेकिन ये मैंने पूछा कि आप क्या सिखाओगे, तो मैंने बोला कि उन्होंने बताया कि हम लोग गेम बनाना सिखाएंगे, कार्टून बनाना सिखाएंगे, मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या है। तो एक दिन की ट्रेनिंग स्कूल में हुई बच्चों के बीच, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे बाकी अपना जो मेरी आदत है मैं YouTube से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मटेरियल्स मिलते नहीं थे यहाँ। तो जब मैंने उस पर काम शुरू किया और बाई चांस ऐसा हुआ कि एक ऐसा अभी कोरोना के समय में SCERT पटना द्वारा एक साइंस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ और उसके कैटेगरी में एक डाल दिया गया था कि कोडिंग के द्वारा गेम बनाने का, और ये मेरे लिए फेवरेबल हो गया और कोरोना पे मेरे स्कूल की एक बच्ची ने गेम बना दिया। अब वो वहाँ पूरे स्टेट में फर्स्ट प्राइज मिला, नेशनल के लिए नॉमिनेट होने का चांस है वो, क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं वो नेशनल के लिए जाते हैं। तो एक बहुत लगा कि मतलब एक छोटा क्लास कितना चेंजेस ला दिया, और उसके बाद लगा कि ये कोडिंग का आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनी फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि कोडिंग सीखे हैं, जो एक मिडिल क्लास का कहिए कि अपर मिडिल क्लास भी थोड़े मुश्किल है उसमें पैसे खर्च करने, जो बहुत शौकीन होंगे पैसे में वो कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्या सरकारी स्कूल के पूरे बिहार के बच्चे को भी सीखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, अभी लॉकडाउन का फेज है। तो पटना में एक टीचर्स ऑफ बिहार एक ऑनलाइन टीचर्स कम्युनिटी है जो ऑलरेडी वहाँ करीब 50-60 हज़ार बच्चे शिक्षक जुड़े हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी चलते हैं। तो वहाँ के फाउंडर श्री शिव कुमार से मैंने बात किया, तो कि सर ऐसा सर मैं सिखाऊँ क्या, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये पढ़ा सकता हूँ ताकि गरीब बच्चे भी जो हैं सरकारी स्कूल के वो सीख पाएँ। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोगों ने सिखाना शुरू किया और बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया। मतलब तो इसमें क्या गवर्नमेंट स्कूल क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी बढ़ गए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बढ़ गए, और मतलब बहुत मतलब इतना मैसेजेस कॉल आने लगे हैं, तो वो लगातार कंटिन्यू रहा, मीडिया सपोर्ट भी शुरू हो गया,
काफी पेपर में, पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में न्यूज आने लगे हैं कि कोडिंग सिखाया जा रहा है, तो यही सर मैम अहम होगा। आपने बताया कि क्या कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन आज हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं है, तो आपने फिर कैसे आप कोडिंग सिखाते हैं? जी मैम, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किए हैं आप। ये क्वेश्चन अक्सर मुझे समय लोग बोलते हैं कि आप पेपर में आता है कि आप कोडिंग सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास तो जनरली वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, तो आप उन लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है सब, लैपटॉप स्मार्टफोन। तो मैंने एक शिव सर का ही एक वीडियो देखा था अभी हाल में भी, पहले भी, मतलब उसमें उन्होंने बोला था कि अगर 10% बच्चे के पास है मोबाइल और लैपटॉप तो हम 100% में सबको क्यों शामिल करें, अगर वो 10% भी सीख जाएंगे तो वो फ्यूचर में अगले 10% वो 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि एक मानसिकता हो गया सरकारी स्कूल के बच्चों के पास स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर इसका अगर सही एनालिसिस किया जाए, सर्वे किया जाए, तो मेरे अनुसार 30-40% गारंटी है कि स्मार्टफोन जरूर मिलेंगे। और ये कोडिंग बहुत हाईफाई कोडिंग नहीं है, बहुत इंटरटेनिंग तरीका से हम लोग सिखाते हैं और ये स्मार्टफोन पे भी कोडिंग हो जाता है। तो हम लोग का था कि थोड़ा सा भी परसेंटेज अगर सीख ले गए, या टीचर्स हैं, सब टीचर्स के पास स्मार्टफोन है करीब करीब, तो टीचर्स सीख जाएंगे तो वो अपने स्कूल में, उस अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनको अपने मोबाइल पे भी करके दिखा सकते हैं, जिस तरह से वो अपने प्लानिंग कर सकते हैं अपने स्कूल में सीख के लिए। जी सर। सर तो आपने बताया कि किस तरीके से आपने किया, और अगर हम यहाँ पे फायदे की बात करें तो कोडिंग के क्या कुछ फायदे हैं? मैं सबसे बड़ा फायदा बता दूं कि अभी जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी, वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो भी है वो कोडिंग से ही तैयार हुआ है। तो आज व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आप ऐप देख रहे हैं, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, वो सब कोडिंग से तैयार हुए हैं। तो ये तो बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू यूज होते हैं। तो कोडिंग से फायदा अभी जब रूट लेवल पे बच्चे के माइंड में सेट हो जाए कि कोडिंग का क्या अप्रोच है, क्या करने से क्या कैसे काम करते हैं, तो जब बड़े क्लास में जाएंगे और भी एडवांस लैंग्वेज सीखेंगे तो काफी वो आसान हो जाएगा। सर अगर हम समय की बात करें तो देखा जाता है कि बच्चे स्कूल में ही इतना ज्यादा थक जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं, तो उसके बाद कोडिंग अलग से सीखने के लिए बच्चे समय कैसे निकालते हैं या मैनेजमेंट कैसे होता है वो? एक्चुअली मैम, ये तो जो कोडिंग अभी मैं सिखा रहा हूँ ये तो ऑनलाइन मोड में भी सिखा रहा हूँ पूरे बिहार के लिए, जो फ्री कोडिंग है, इसमें तो टाइम मैनेजमेंट की अभी कोई बात नहीं, स्कूल बंद है। लेकिन जो एक बहुत अच्छा ही आपका क्वेश्चन था कि जब हम लोग स्कूल में रेगुलर क्लासेस होते हैं सब सब्जेक्ट के, तो इनोवेशन करने के लिए, कोई इनोवेटिव काम करने के लिए कोई टाइम आप लिमिट नहीं कर सकती हैं कि एक घंटे में हो जाएगा, वो जब करने लगेगा तो 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो उसमें हम लोग बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग किस टाइम में उसको लैब में लाएं, वो बच्चे को, बच्चे भी सोचते हैं कि बहुत बच्चे की मेरा रेगुलर क्लास टेम्पर होगा, तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग किए हैं बहुत सारा, सैटरडे संडे को भी हमारी प्रिंसिपल मैम भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो कुछ प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, अगर आप स्कूल टाइम से अलग होकर भी काम करते हैं तो उसमें सपोर्ट रहता है सारे स्कूल के सभी स्टाफ का भी, और हम लोग मैनेज कर लेते हैं उसको। सर जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तब पता चला कि आपने दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट या कुछ इनोवेशन किया है, तो आप उसके बारे में हमें जरूर बताएं। जी मैम, एक्चुअली जब हम लोग इनोवेशन पे काम करते हैं तो मैं क्लासरूम में जाता हूँ, अब बच्चों से पहले आइडिया कलेक्ट करता हूँ कि तुम लोग कोई आइडिया तो क्या बनाए हम लोग, तो बच्चे अपने आइडिया शेयर करते हैं, तो मैंने आइडिया भी दिमाग में आइडिया कैसे आता है ट्रिक दिया कि अपने आसपास की समस्याओं को वॉच करो। एक लड़की खड़ी होकर बोली, सर मेरा एक भाई है वो बेड पर पड़ा रहता है, वो उसे भूख लगती है तो क्यों रोता है, अगर उसे कुछ चाहिए तो रोता ही है, वो रो के ही डिमांड करता है। तो मैं बोला क्या वो मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं है बॉडी में? नहीं सर, वो पूरा ये हैंडीकैप्ड है और बेड पे ही रहता है वो पूरी तरह से। तो मुझे बहुत इमोशनल में हुआ कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट डेवलप किया कि एक जो घर में रिमोट होते हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी बटन्स हैं, तो मैंने एक चार्ट बनाया और उसमें बहुत सारे ड्राइंग ड्रॉ किए हैं, भूख खाना खाते हुए, या बाथरूम का था, या पानी चाहिए, या टीवी खोलने के लिए, या समथिंग जो भी क्रियाकलाप रोज के होते हैं
और सबके सामने एलईडी और बजर मैंने लगा दिया। अब वो बच्चे, अब बोला मैंने उसे कि देखो अगर वो अगर वन दाबे, क्योंकि उसको जो चाहिए सब रोता है, बोल नहीं पाता है, तो अगर वो टू प्रेस करता था उसे पानी पिए तो ग्लास के सामने का लाइट और बजर बजने जलने लगता था। तो इस तरह से लगा कि समस्या का समाधान मैंने किया। फिर स्कूल की बच्ची ने अंधों के लिए एक छड़ी चश्मा डेवलप किया जिसे शिक्षा मंत्री पुरस्कृत किए। जैसे कोई ब्लाइंड आदमी चलते हैं तो सामने ऑब्स्टेकल नहीं देख पाते हैं, ये सामने आने वाले कोई ऑब्स्टेकल को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म करने लगता है। फिर अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक मैंने एक काम किया कि मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन में लोग जो डीप एंड डम है उनके बारे में कौन सोच रहा है, वो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे, क्योंकि तो टीचर की बात तो सुनेंगे नहीं। तो मैंने इंटरनेट पर स्टडी शुरू किया, उसी में मैंने देखा बहुत सारे ऐप डेवलप हैं जो आप पढ़ाते हैं उसमें एक कार्टून कैरेक्टर होता है उसको साइन लैंग्वेज में ऐसे से कन्वर्ट करते रहता है। तो मैंने एक प्रयोग किया, कंप्यूटर का दो चार टॉपिक को मैंने सिर्फ छोटा में पढ़ाया 10 सेकेंड क्लास कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। मैंने देखा वो कार्टून उस तरह से एक्टिविटी करने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम साइन लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो वैसे ऐप का अगर इस्तेमाल करें और उसके थ्रू वैसे बच्चों को पढ़ाएं तो साइन लैंग्वेज तो वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग उससे विशेष मैं थिंकिंग करता हूँ जो दिव्यांग लोग होते हैं उसके लिए। जी, और आपने प्रोजेक्ट्स की बात की थी, तो अगर हम बात करें कि बच्चों ने किन किन प्रकार के या क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक्चुअली मैम की जब हम लोगों का शुरू हुआ इनोवेशन का स्टार्ट हम लोगों ने किया तो पहले लगा कि क्या बनाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बनाए। अगर तो मैंने देखा कि अभी तक जितने साइंस एग्जीबिशन होते थे उसमें जनरली स्टैटिक मॉडल ज्यादा आते थे कि रेजिम बने हुए हैं थर्माकोल पे और वो समझाते थे लोग ऐसे ये बिहेव करेगा। तो मैंने सोचा कि साइंस तो है लेकिन साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हम जानते हैं साइंस का अप्लीकेशन है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर मॉडल को वर्किंग कर सकते हैं और फिर होते हुए देख सकते हैं, इससे बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारे बने हुए प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया जो औरों ने बनाए हैं ताकि बच्चों का माइंड खुले थोड़ा। तो उसी क्रम में कुछ नए नए इनोवेशन भी हुए, जैसे सबसे बड़ा इनोवेशन कहूँ कि हम लोग कोसी क्षेत्र में हैं, यहाँ ये बिहार का मतलब बहुत बाढ़ यहाँ पर आता है, 2008 में काफ़ी तबाही हुई थी। तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत है, तो एक ऐसा मॉडल हम लोगों ने बनाया बच्चों के साथ कि बाढ़ आने के पहले ही सारे अधिकारी के मोबाइल पे अपने आप मैसेज चले जाए, मतलब वाटर लेवल तो वो देखते रहेगा और जैसे वाटर लेवल डेंजर जोन में आएगा वो सारे अधिकारी के मोबाइल पे रिंग होगा, मैसेज जाएंगे कि ये यहाँ पर जो पानी का लेवल है ये ऐसा है। तो इस मॉडल को बनाया तो हमारे त्रिवेणीगंज के DSP जो भी पटना के SP हैं जितेंद्र कुमार और SDO विनय सिंह, वो लोग स्कूल आए और उन्होंने इस मॉडल को देखा, बहुत खुश हुए वो लोग और प्रोग्रामिंग में उन्हीं लोगों का मोबाइल नंबर डाला हुआ था और जैसे हम लोगों ने वाटर लेवल बढ़ाते हुए दिखाया उनके मोबाइल पे SMS आ गए, तो वो लोग उसी समय बोले आप जीतोगे और ऐसा ही हुआ, हम लोग नेशनल तक जीते हैं प्रोजेक्ट को। इसमें एक और प्रोजेक्ट था वो भी बहुत मतलब दोनों नेशनल जीता हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक बार रेलवे में का एक विज्ञापन आया, विज्ञापन नहीं था वो एक सूचना था कि जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं जहाँ पर सड़क और रेलवे लाइन मैच करता है, हम लोग क्रॉस करते हैं तो जनरली गुमटी बंद रहते हैं जब तक ट्रेन नहीं क्रॉस हो जाए, लेकिन जब गुमटी खुले रहते हैं तो आप देखेंगे ट्रैक के ऊपर एक वायर जाता है, इलेक्ट्रिक वायर जिससे तो ट्रेन चलता है। तो उस पेपर में लिखा हुआ था जलपाईगुड़ी का वो न्यूज था, मुझे अभी भी याद है कि जो ट्रैक से कार की हाइट 4.67 मीटर होती है, आप अपने वाहन पर गाड़ी पर इतना सामान नहीं लोड कर दें कि उसकी उच्चता सीमा को क्रॉस कर जाएं, ताकि आप जब क्रॉस करेंगे तो तार में आपका बस गाड़ी फटने का चांस रहेगा और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो वो न्यूज देख के मुझे मन में आया कि इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो हम लोगों ने स्कूल में डिस्कस किया, तो फिर बच्चे उसके साथ मिलकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक के पहले एक फाटक एक हमने गेट डिजाइन किया जो गाड़ी उसके से गुजरती थी वो गाड़ी का जमीन से कितना हाइट है वो कैलकुलेट कर लेता था और ट्रैक
के पास पहुंचने से पहले ही अगर ज्यादा होता था तो वो गिर जाता था नीचे। तो इस तरह से बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग टेक्निक खोजे और इसको ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर कोलकाता में पुरस्कृत किया। मुझे भी स्टेट बेस्ट गाइड का अवार्ड मिला, स्कूल को भी मिला, बच्ची को भी मिला और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग पहली बार गए थे, पहली बार जीत के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने यहाँ उपलब्धि की बात की ही है तो हम आपकी कुछ उपलब्धियों के बारे में यहीं से जानते हैं कि वो क्या कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं। तो अगर सिस्टमेटिक चले तो पहले एज ए टीचर से उपलब्धि उसके स्टूडेंट पे डिपेंड कर, उसके स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो टीचर का नाम होगा। तो उसी क्रम में हमने हमारे मेरे मतलब गाइडलाइन में जो भी प्रोजेक्ट मॉडल बने हैं तो उसमें मेरे स्कूल की बच्ची को शिक्षा मंत्री पुरस्कृत कर चुके हैं। अभी रिसेंट इसमें जनवरी में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह ने पुरस्कृत किया है पटना में। फिर 2018 में बिहार के टॉप 5 मॉडल को डिस्प्ले करने के लिए वहाँ कंपटीशन ही होता है, नेशनल साइंस फेयर जो एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो बिहार के 5 मॉडल में से एक मॉडल मेरा भी था, इसको वहाँ पर इन्वाइट किया गया, हम लोग वहाँ उसका प्रेजेंटेशन किए। ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर में स्टेट बेस्ट अवार्ड मिला। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक अनेकों प्राइज मिलते रहे हैं। मुझे बहुत लोग विज्ञान टीचर की तरह देखते हैं, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ लेकिन मुझे हर विज्ञान प्रदर्शनी में क्या था ना कि कंप्यूटर टीचर की बहाली 2015 में हुई बिहार सरकार में, इसके पहले कंप्यूटर टीचर थे नहीं, तो सिर्फ साइंस की बात होती थी, टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। तो जब मैं वहाँ इन किया तो एक मॉडल का रूप थोड़ा बदलने लगा डिस्ट्रिक्ट में भी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों की बात होने लगी। तो मुझे भी बहुत लोग बाद में जानते रहे कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, मतलब एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तक लोग सीमित मानते थे विज्ञान प्रदर्शनी को। तो एक चेंजेस आया। तो इस तरह से स्कूल में जो भी इवेंट होते हैं उसमें हम एक्टिव रहते हैं मैं, और इवन एज ए कंप्यूटर टीचर जो रोल होना चाहिए स्कूल में, एक ऑफिस वर्क में भी जो सपोर्ट होना चाहिए वो मैं अपने स्कूल में करता हूँ सारे तरह से। उपलब्धियां रही, मेहनत रही, सफलता रही, लेकिन चैलेंजेस भी जरूर रहे होंगे, तो वो क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस थे और वो क्या ऐसी एक आशा थी जो आपके मन में थी और आप बस बढ़ते रहे? चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने फेस किया क्योंकि एक तो रूरल एरिया है ये बिहार में और गर्ल्स का स्कूल है, गाँव में लड़कियों के साथ वर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कितना बार हम लोग मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट बच्चों को बनाया सिखाया, बच्चे तो एक्साइटेड थे लेकिन एक कंपटीशन में जाना था उसे पार्टिसिपेट करने के लिए और मैंने बहुत मेहनत किया था उस लड़की से और अचानक एक दिन पहले बोली सर मेरे पापा मना कर रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है। अब मुझे टेंशन हो गया कि लगा कि अब कल क्या करेंगे, इतना मेहनत किए। मैं भी सगुस्ता में बोला उसे कि तुम स्टार्टिंग में ही बोल देती कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, तो मतलब ये तो अचानक से धोखा देना हुआ। तो मैडम भी बोली तो हम लोग प्लानिंग किए बैठ के। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे हम लोग इनोवेटिव लगते हैं उसके घर में उसके गार्जियंस को बुलाते हैं, मम्मी पापा बड़े भाई, और सारे बात पहले ही मन लोग बता देते हैं कि हम लोग आपकी बेटी पर मेहनत करेंगे लेकिन अगर आगे जाना होगा क्योंकि हम लोग विद्यालय का नाम उसी पर निर्भर करेगा तो आप लोग सपोर्ट देंगे नहीं। उसे बहुत गार्जियन बोलते हैं सर नहीं बाहर जाने में दिक्कत है। तो एक्चुअली सारे एक्सपेंस से लेकर जो प्रोटोकॉल होता है मूव करने का, एक लेडी टीचर भी साथ रहती हैं तो वो सब फॉलो होता है। तो हम लोग सब चीज समझाते हैं उनको सब, उसमें जो गार्जियन एग्री करते हैं उन बच्चों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और उस तरह से हम लोग उसको मूव कराते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि जब मैंने पहली बार साइंस विज्ञान प्रदर्शनी में ले गया बच्चों को दिखाने के लिए गया था, तो एक बहुत बड़ा बात होता है कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप काउंटर पर खड़े हैं और सामने कौन आएगा आपको पता नहीं है और क्या क्वेश्चन करेगा आपको नहीं पता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब बच्चे उसमें नर्वस हो जाते हैं, हम लोग भी ऐसा होगा तो नर्वस हो सकते हैं, तो बच्चे हैं तो उन लोगों को हम लोग ट्रेंड करते हैं अकॉर्डिंग। मैं तो बहुत उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैं कि एक क्या हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नहीं पता होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम जानती हो उस टाइम से लेकिन बोल नहीं पा रही हो, एक होगा कि हम लोग
प्री प्लान जो क्वेश्चनायर तैयार किए हैं, कैसा सामने जज पूछते हैं, ऑडियंस पूछते हैं, तो अगर आप पहले ही सारे केसेस को बच्चों के सामने रख देते हैं तो वो बहुत उत्साह से खड़ी रहती हैं कि जो आंसर नहीं भी आएगा उसको भी कैसे डील करना है मैं सीख लूंगी। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, अभी सोशल प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि तुम्हें नहीं पता हो, सामने जज की तारीफ करके, सर आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सर मैं इसे नोट कर लेती हूँ, मैं इसको भी इसको इम्प्लीमेंट करूंगी, तो इससे जज भी खुश हो जाते हैं और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि लड़की जनरली इधर उधर सोचने लगती है, नर्वस हो जाती है। तो इस तरह का बहुत सारा ट्रिक उन लोगों के बीच मैंने दिया हुआ है और इस कारण कहिए या जो लगातार 3 साल से हम लोग लगातार जीतते आ रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगे ये जान के। तो हमारी डिजिटल टीचर की कहानी में ये है कि जो भी टीचर आता है हम उससे पूछते हैं कि वो ऐसे कौन से टीचर हैं जिन्होंने ICT का इस्तेमाल करके, जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया है, तो ऐसे कौन से वो शिक्षक हैं जिन्हें आप नॉमिनेट करना चाहेंगे? मैम मैं 2 टीचर का नाम लूंगा आपको। एक तो भागलपुर बिहार में ही सुमोना घोष हैं, जो काफी मेरे कोडिंग क्लास भी करती हैं और उससे सबसे बड़ी बात है उससे ई कंटेंट तैयार कर रही हैं वो, और वो बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत सारी कविताओं को उन्होंने कन्वर्ट किया, और इसी क्रम में काफी अच्छा लगा कि सीखने के बाद कोई उसका ई कंटेंट बना के उसका ऐसे गेम बनाना और कार्टून बनाना अलग चीज होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करना। और सर एक जो मैं टीचर्स ऑफ बिहार के स्टूडेंट सर हैं वो उनको मैं इनके लिए क्लाइंट यही बोलूंगा कि वो ऐसा वर्क शुरू किए हैं कि बिहार में आपको डिजिटल टीचर का भरमार हो गया है। वो अपने कितने डिजिटल टीचर को क्रिएट कर दिए हैं वो, उनके प्लेटफॉर्म में रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग का काम होता है, कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे सपोर्ट रहते हैं। तो हम मेरा है कि आप दोनों को इसका इंटरव्यू ले सकती हैं और काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ डिजिटल टीचर की कहानी में श्री सौरभ सुमन जी। तो आपसे ढेर सारी हमने बातें की और पता चला कि किस तरीके से कम संसाधनों में भी नई चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चैलेंजेस और जो चुनौतियां होती हैं उन्हें पार किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू।